दिसंबर में शादी करोगे तो नवंबर एंड से तुझे और मनी को डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कम ऑन अदी, मनी के बस की नहीं है डांस करना। अबू यार, सगन पे एक डांस परफॉर्मेंस तो बनता है। हाँ वो तो है, बट सगन पे गाना गा लेगा ना मनी, ही इज एन ओके सिंगर। बोर नहीं होगा? होगा तो, बट आई विल चूज बोर्डम ओवर डिजास्टर एनी डे। अच्छा एनीवे, तू ये बता जीजू कैसे हैं? माय फियांसे मनी इज अ बैड डांसर, बट वो उस टाइप का बंदा है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ बिगाड़ना चाहता है, और दूसरी तरफ मैं बहुत स्टिफ हूँ। आई गेट टू कॉन्शियस वाइल डांसिंग, दैट इज वाई द आइडिया ऑफ बोथ ऑफ अस डांसिंग पब्लिकली इज रिपल्सिव टू मी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन मनी ने मुझे अपने इस वीक पॉइंट पे बहुत एम्बैरेस किया। मैं गाड़ी चला रहा था और रेडियो पे बढ़िया गाना आ रहा था, मुझे अचानक से इंस्पिरेशन स्ट्राइक कर गई। मैं मनी को उसका सुपर डुपर गलीज प्लान कभी भी एग्जीक्यूट ना करने देती, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज वेरी बिजी दैट डे, क्योंकि हमें दोपहर में मासी ने लंच के लिए बुलाया हुआ था। क्योंकि एपी और मैं यूट्यूबर्स है, तो हमारे लिए तो क्रिएटिविटी से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट? एंड माय आईडिया वाज सुपर डुपर क्रिएटिव, बस मुझे अपने कजन रघु की हेल्प चाहिए थी। ब्रिलियंट आईडिया पाजी, ब्रिलियंट आईडिया। ओ पाजी, तुसी जेनेटिकली गंजे हो और गरीब आप अपनी बेवकूफी करके हो। अरे यार, तू हेल्प करेगा या नहीं? अबाजी ऑब्वियसली नहीं। भाई कैसा आइडिया आपका, आपको सेनोरिटा गाने पे नाचना है? अरे यार, अपर्णा के साथ नाचना है, और क्रिएटिविटी यही तो होती है, अनएक्सपेक्टेड स्टफ। और आपको लगता है आप ऐसे वायरल हो जाओगे? ओ भाभी जी, मान ही नहीं सकती है करने के लिए। हाँ यार, क्योंकि पर ओ पाजी, पहली बात तो मैं ना भंगड़े क्लासेस लेता हूँ, ऐसे सोफिस्टिकेटेड गानों पे मुझे नाचना नहीं आता। सिंगल लॉन्डो का वीक पॉइंट कुछ ज्यादा ही वीक होता है, एंड आई हैड नो हेसिटेशन इन यूजिंग दैट वीक पॉइंट टू माय एडवांटेज। भाई तू एक चीज भूल गया। क्या? कि कायरा काफी सोफिस्टिकेटेड बंदी है। हाँ? और तू जल्द उससे पहली बार मिलने वाला है। हाँ तो अगर तू इस सोफिस्टिकेटेड गाने पे अपर्णा और मुझे नाचना सिखाएगा ना, तो मैं कायरा को इसके बारे में बता देता हूँ, और वो तुझसे मिलने से पहले तुझसे इम्प्रेस हो सकती है। सही है, कायरा अपर्णा की फ्रेंड है, सो दिस वाज एक्चुअली पॉसिबल फॉर मी टू डू। तो रघु तो मेरी जेब में था, और लकीली उस दिन अपर्णा अपनी मासी के यहाँ लंच पे गई हुई थी, क्योंकि प्लान का पहला पार्ट मुझे उसके बिना एग्जीक्यूट करना ज्यादा वाइज लग रहा था। पाजी आपको डांस भाभी जी के साथ करना, उनको बुला तो लो। अरे यार, तू मुझे सिखाना तो शुरू कर, वो आ जाएगी। आ जाए। अगर अपर्णा पहले आ जाती ना, तो वो इस आइडिया को पक्का स्क्रैप करवा देती। और मेरा प्लान ये था कि रघु अगर मेरा पहले थोड़ा रिहर्सल करवा दे, तो आइडिया पे थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो जाएगा, एंड देन एपी विल बी अ लॉट मोर लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ इट। कर गएगा पाजी। ओ पाजी क्या कर रहे हैं यार? अबे यार, ये क्या स्टेप कर रहे हैं यार, कुछ भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ अभी मनी, मितुल इतना पका रहा है, उसकी बातों पे ना मुंडी हिला हिला के इतना थक गई मैं कि मासी के घर के बाहर वॉक करने आ गई हूँ। अरे अरे, तू आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? मैं अभी थोड़ी ना आ रही हूँ, पर तू क्यों चाहता है कि मैं अभी ना आऊँ? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है कि तुझे अभी आना, तू अभी आ जाते, कुछ जब आना तुझे, कभी भी आ जाना यार। अच्छा एनीवे, मॉम का कॉल आ रहा है, मैं तुझसे बात कर चुका। मनी वॉज एक्टिंग वियर्ड, बट आई डिड नॉट रियली थिंक अबाउट हिज बिहेवियर फर्दर, और डायरेक्ट 2 घंटों के बाद मैं स्टूडियो पहुंच गई। मनी यार, हमारे सगन के फंक्शन पे हार्डली 200 लोग होंगे, मैं वहां तेरे साथ डांस करने को रेडी नहीं हूँ, और यहाँ तू कह रहा है कि हम अपने यूट्यूब ऑडियंस के सामने डांस करें? नो वे यार, नो वे। यार आपी तो इतना पक्के आई है अपनी मासी के यहाँ से, थोड़ा एंटरटेनमेंट ही हो जाएगा तेरा। दिस इज नॉट एंटरटेनिंग, दिस इज फूलिश। यार पर मैं 2 घंटों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ बाबा। सो वैसे भाभी जी, पहले मुझे भी पाजी की गाने की चॉइस बकवास लग रही थी, पर मजा तो बहुत आ रहा है। मॉम का कॉल, एक मिनट यार, मैं मॉम का कॉल लेके। ओ मान जाएगी पाजी, टेंशन मत लो। यार बहुत मुश्किल लग रहा है यार, क्योंकि एक तरह से उसकी बात ठीक है, सगन पे नाचना इससे काफ़ी ज़्यादा आसान है, यहाँ तो पता नहीं हज़ारों लोग देख रहे होंगे। सीरियसली मॉम, सीरियसली, एंड आपने मितुल को कुछ भी नहीं कहा? बेटा फीडबैक दे रहा है, मैं थोड़ा उसे बोलती कि मत दे। नहीं, ये कैसा फीडबैक होता है कि मनी और मैं अपने कंटेंट में रिस्क नहीं लेते? मितुल ने कितने रिस्क लिए अपनी लाइफ में? आई एम जस्ट सिक ऑफ हिज हैबिट ऑफ पासिंग कमेंट्स। अच्छा गुस्सा मत कर। नहीं मतलब, सारी मम्मियों ने ना इन डिग्री वाले बच्चों को सर पर चढ़ा रखा है, सो मच एंटाइटलमेंट दीज गाइस हैव। ठीक है मॉम, चलो बाय। मनी, वी आर डांसिंग। सही में? हाँ यार रघु, लेट्स डू इट। बता मुझे क्या स्टेप्स हैं? लेट्स डू दिस गाइस। आई डिसाइडेड टू डू दिस नॉट बिकॉज़ आई थॉट दैट दिस वाज अ ग्रेट आइडिया, बट आई हेटेड द आइडिया ऑफ बीइंग कॉल्ड समवन हु प्लेस सेफ। तो मैंने सोच लिया कि उस दिन मैं अपने फियर को ओवरकम करूंगी।
and me. The air was hot from summer and sweat dripping off me. Before I even knew her name, la la la. It felt like ooh la la la, yeah. No, sapphire. It came out too badly. Or shayad, just shayad, okay, I may just be okay dancing with Mani on her second function. So we hope that watching Appy overcome one of her fears was motivating for you. Ab is video ko viral karana aapka kaam. And if you're also being held behind by fear in your life, then our course The Art of Adulting Happily will surely help you. Link is in the description section below. So that's it on the Mani Appy show. We'll see you super soon again. Bye bye. La la la, it's true. La la la, oh, I should be running.